ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, अब मास एम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए फ्लोट इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इट इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम अंडरगो द टाइम पीरियड टी। अब ब्लॉक मास एम है, एरिया ए है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है, समझना इस क्वेश्चन को। अब अगर एक फ्लूइड है जो ऑसिलेशन है वो इतना बेहतर है, जो एस एच एम है, जो ऑसिलेशन है वो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है यार। वो फ्लूइड में होगा, इलेक्ट्रिकल में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलेगा, मैकेनिक्स में चलेगा, सिलेंडर, रॉड, पिस्टन, फ्लूइड, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पर एक फ्लूइड का ऑसिलेशन इसको बोलता हूँ मैं। एक सिलेंडर है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अब ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो फ्लूइड में ऐसे मान लो इक्विलिब्रियम में है। हम सबको पता है कि ऑसिलेशन कौन करता है, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अनस्टेबल वाला कभी ऑसिलेट नहीं करता है, न्यूट्रल वाला कभी ऑसिलेट नहीं करता है। इक्विलिब्रियम तीन टाइप के पढ़ के आए थे, तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पार्टिकल होता है वही ऑसिलेट करता है। जिसको डिस्प्लेस करोगे तो वहीं आप वापस आ जाएगा। अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो इस पे लिक्विड का फोर्स ऑफ थ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा और इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना मैं। अगर ये लिक्विड के अंदर इसकी लेंथ है l है, तो जो अपथ्रस्ट है वो mg को बैलेंस किया होगा फर्स्ट केस इक्विलिब्रियम में। अभी कोई ऑसिलेशन नहीं होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू आप जानते होंगे, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम वी रो जी, ये होता है वी रो जी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इनसाइड वॉल्यूम है, इनसाइड वॉल्यूम को लिखने के लिए लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन रो जी मस्ट बी इक्वल टू वेट एम जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नहीं फर्स्ट बोलो, ये फर्स्ट बोल दो। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, अभी कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। अब ऑसिलेशन कब होगा, जब हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे। मान लो मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे किधर भी दे दूँ इस ब्लॉक को, ये फ्लूइड में है। अगर मैं नीचे दे दिया तो वायंसी अब थ्रस्ट अधिक हो जाएगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर दे दिया तो एम जी नीचे आ जाएगी और नीचे खिंचेगा, फिर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं नीचे ही दे दूँ, मुझे नीचे ही अच्छा लगता है डिस्प्लेसमेंट देना। तो ये यहाँ से मान लो मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर दिया एक्स, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगी वो एल प्लस एक्स आ जाएगी। एक्स मैं नीचे पुश कर दिया हूँ, इसको दबा दिया हूँ नीचे एक्स, उसके बाद छोड़ दूंगा तो ऑसिलेशन आ जाएगा। अब नया इक्वेशन लिखो। अब जो है अब थ्रस्ट बदल गया होगा और एम जी वही रहेगी। अब थ्रस्ट ज़्यादा हो गया होगा लिक्विड का फोर्स एम जी से, मतलब अब ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट करेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है और अब थ्रस्ट माइनस एम जी, ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। कभी भी एस एस एम निकालने के लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं यार। तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू लिखो, अब थ्रस्ट एल एक्स प्लस ए एरिया क्रॉस सेक्शन रो जी माइनस एम जी, दैट इज द एम ए। देखो हम लोगों को टाइम पीरियड निकालना यार, टाइम पीरियड तभी निकाल पाते हैं जब एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा एल ए रो जी प्लस एक्स ए रो जी माइनस एम जी। तो पहले कंडीशन यूज कर लूं, ये जो अच्छा वाला कंडीशन दिया था उसको मैं यूज कर लूं, तो एम जी ने इसको ख़त्म कर दिया। तो जो एक्सेलरेशन दिखने लगेगा वो ए रो जी अपन एम, एक कांस्टेंट आया एक्स, और डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन के अपोजिट है। आपने डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया और ब्लॉक का एक्सलेशन ऊपर है तो माइनस साइन। तो ये और ये पूरा फैक्टर एक्स की पावर वन है, सम कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन एस एस एम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बीच में बड़ा सा दिख रहा है ए रो जी एम, वो कांस्टेंट है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। एक्सलेशन एस एच एम में चले जाओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, इनका और इनका कंपैरिजन हो जाता है ये।
तो यहां से अगर कंपैरिजन करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए रो जी एम, है ना, अच्छी बात। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2πm ए रो जी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो कि एक कांस्टेंट टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा और कांस्टेंट होगा ही होगा, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। वेरिएबल टाइम पीरियड होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही नहीं। तो ये अब यहां से हमें टाइम पीरियड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे रिलेटेड है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए अंडर रूट, ये वाला, मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए अंडर रूट, दैट इज सी ऑप्शन सही है। चलो